हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो 9th कक्षा का हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, तो हमें क्या दिए हुए हैं कि ए बी सी क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है जिनका बी और सी एफ क्या है दोस्तों, शीर्ष लंब है। गिवन दैट में लिखते हैं सबसे पहले, गिवन दैट एक ट्राइंगल दिया जिसका नाम क्या है ए बी सी, और उसमें बी और बराबर है किसके, सी एफ के। बी परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। यानी परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है, ये लंब है। और अपने से प्रूव दैट ये सिद्ध क्या करवा रहा है कि ट्राई एंगल ए बी सी में ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। यानी ए बी सी त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने पास दो ट्राइंगल लेते हैं, इस भुजा को और इस भुजा को, देख दो बराबर सिद्ध करते। देखो बी सी ट्राइंगल लेते हैं, बी सी और ट्राई एंगल बी सी और सी एफ बी, ट्राई एंगल सी एफ बी। तो और क्यों लगाया आपको पता चल गया होगा, और इसलिए लगाया है कि हमें पता चल जाए कि इस त्रिभुज पे हमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बी और सी एफ में एक भुजा कॉमन आ रही है, कौन सी भुजा कॉमन आ रही है, बी सी भुजा आ रही है। देखो बी सी, देखो आपको पहले बताया था ना कि पहला और अंतिम अल्फाबेट लिए, तो पहला और अंतिम बी सी आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है दोस्तों, उभयनिष्ठ। क्या गया, उभयनिष्ठ। फिर देखो ये यहां पे 90 डिग्री है क्योंकि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लंब है। तो ये लंब है तो एंगल इसमें ई है और इसमें एंगल क्या है, एफ है। ये कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद अपने को ये दे रखा है बीई और सी एफ बराबर है, यानी बी इज इक्वल टू क्या गया, सी एफ। ये बात की क्या है, दी हुई है कि ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर है। तो इसमें कौन सा रूल लग गया, ये देखो एक भुजा आ गई, ये कोण आ गया, ये भुजा आ गया, ये बी सी क्या कर्ण है, तो इसमें कौन सा रूल लग गया, आर एच एस रूल से ट्राई एंगल बी ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्राई एंगल सी एफ बी के। तो ये दोनों ट्राई एंगल के आगे कॉन्ग्रेंट आ गए, यानी सर्वांगसम आ गए। सर्वांगसम आते ही हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसका सब कुछ क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे ना, उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो इसकी देखो, यानी बी कौन सा ट्राइंगल लिया सबसे पहले, बी सी। तो बी सी यानी सी भुजा है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। तो यहां लिख रहा हूं बी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या आ गया दोस्तों, फर्स्ट आ गई। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये भुजा और ये भुजा लेनी है, ए बी एक ट्राइंगल लिया हमने, इसका नाम है ए बी। और क्यों लगाते हैं आपको पता है, क्योंकि अपने को पता चलता रहे कि इस ट्राइंगल पे हमें काम कर रहे हैं। और ए एफ सी ट्राइंगल क्या है, ए एफ सी। तो सबसे पहले इसमें देखिए एंगल ए है वो क्या आ गया दोस्तों, उभयनिष्ठ आ गया। दोनों में क्या आ गया,
ये ट्रायंगल क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। देखो एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में एंगल ए आ रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों कि बी ई और सी एफ आ रहा है, बी ई इजिकल टू क्या आ रहा है, सी एफ आ रहा है। ये दिया हुआ है, ये क्या है, बराबर दी हुई है। ये देखो ये बात दी हुई अपने को, कितनी बात आ गई दोस्तों, दो बात आ गई अपने को। कितनी बात चाहिए, तीन बात चाहिए। तो इसमें एंगल ई ये रहा और इसमें एंगल एफ ये रहा, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। इसमें एंगल ए ई बी, एंगल क्या आ गया, ए ई बी इजिकल टू ए एफ सी। तो एंगल क्या गया, ए एफ सी कितने डिग्री का दोस्तों, 90 डिग्री का। इसमें कौन सा रूल लगा है, ए एस ए रूल से, ए एस ए रूल से। ट्राइंगल क्या गया दोस्तों, ए ई बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए एफ सी। तो यहाँ सर्वांगसम त्रिभुज आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में मैंने पहले ही बताया था कि उसका सब कुछ बराबर आ जाता है, तो आपके दिमाग में आ गया इन त्रिभुजों के सब कुछ बराबर है। तो यहाँ क्या रहा है, ए एफ आ रहा है और यहाँ क्या रहा है, ए ई आ रहा है। यानी ए एफ बराबर है दोस्तों किसके, ए ई के बराबर है। ये समीकरण क्या आ गए दोस्तों, सेकेंड आ गए। और हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या कर दो दोस्तों, इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दो, योग कर दो। अब आपके दिमाग में आ रही है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड का योग हमें क्यों कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां देखिए आपके अपने आप दिमाग में आ जाएगी, ए एफ में ए एफ जोड़, बी एफ में ए एफ जोड़ दो और यहां सी ई प्लस क्या जोड़ दो, ए ई जोड़ दो। तो यहां बी एफ और ए एफ जुड़ के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा दोस्तों, और सी ई और ए ई मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी हो जाएगा। यानी ए बी बराबर है किसके, ए सी के। यानी कोई भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है दोस्तों, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि ए बी सी को समद्विबाहु सिद्ध करना है, वो हमने सिद्ध कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।